हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का सानी का सोलर पॉइंट पे, जो है महाराष्ट्र में शिरडी के पास कोपर गांव में अवेलेबल है, जहाँ पे 18 फ्लेवर का सोडा मशीन अवेलेबल है। ये 18 फ्लेवर तो मैं और आप समझ सकते हैं, 18 फ्लेवर का मशीन है तो 18 फ्लेवर अलग अलग टेस्ट वाला सोडा निकलेगा। लेकिन ये सानी का सोडा पॉइंट के ओनर जो है मिस्टर अमोल भैया, वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा खास है, तो 18 फ्लेवर तो है ही, लेकिन उसके अलावा मेरे पास 20-22 अलग अलग प्रकार के टेस्ट के सोडा अवेलेबल है। क्या है क्या नहीं, जानने के लिए समझने के लिए मैं खुद आज यहाँ पे आया हूँ, मिलता हूँ उनसे, जानता हूँ उनसे कि वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से नया नया फ्लेवर उनके पास अवेलेबल है। हेलो अमल भैया, कैसे हो? आपका नाम तो बहुत सुना है और आप कुछ ना कुछ नया इसमें लेकर आए हो, क्या है, किस तरह से, कितने कितने फ्लेवर अलग अलग लेके आए, वो बताओगे पहले। इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर हैं। अच्छा, सानी का स्पेशल है, अच्छा, मैंगो मस्ती है, पबजी सोडा है, क्रश सोडा है, आइसक्रीम विथ सोडा है, टकीला शॉट्स है, अच्छा, मैंगो मस्तानी है, ओके, मोजेटो है, इसमें अलग सारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेकर आए हो, कुछ नया लेकर आए हो फ्रेंड। तो क्या है क्या नहीं, एक दो डेमो लाइव हम देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्या है क्या नहीं। तो आपने बोला फुलजर है, टकीला है, अभी फुलजर जो है पटाखों में मैंने सुना है, सोडा में इस तरह से इसके पटाखा बना देते हो क्या, क्या करते हो उस हिसाब से? टकीला है और फुलजर है, दोनों है। पहले मैं फुलजर से बात कर रहा हूँ, फुलजर इसमें कैसा है, मैंने तो पटाखों में नाम सुना है फुलजर का। फुलजर का कैसे होता है कि मसाला का कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा, और उसमें स्पाइसी वगैरह टेस्ट अलग है, अच्छा, पूरा अलग टेस्ट, अलग टेस्ट, अलग। और टकीला भी है आपके पास? टकीला शॉट, मुझे टकीला पहले टेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम नाम देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये बोल रहे हैं टकीला सोडा है उनके पास, क्या है टकीला, किस तरह से, वो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसा टेस्ट वगैरह है। ओके, तो टकीला ये बना रहे हैं, उसके बाद आओ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जिससे इन अमोल भैया ने बताया टकीला सोडा, टकीला सोडा अभी रेडी तो हो गई है, अभी इसका टेस्ट करते हैं, बाद में बताता हूँ टकीला सोडा क्या है, किस तरह से। आइए ना भरत जरा भैया, टकीला सोडा अमोल भैया बता रहे हैं किस तरह से, क्या है क्या नहीं है, जरा टेस्ट करके बताइए ना, इसको कैसे करना है अमोल भैया बताओ ना जरा, इसको लेना, इसको पहले पीना है फिर इसको पीना है, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, दोनों को मिक्स करके पीना। अच्छा, ऐसा है, मुझे तो सोचा पहले इसको पीना है फिर इसको पीना है। तो पूरा एकदम क्या लगा, हमारे सोडा फर्स्ट टाइम मैंने आई थी, सोडा पी है फर्स्ट टाइम पिया, कुछ अलग रहा है, मैं हर बार आता हूँ सोडा पीने के लिए, तो ऐसे सोडा मैंने आज पहली बार ही पिया, फर्स्ट टाइम पी, नाइस। ऐसे सोडा आपने पहली बार पिया, क्या बात है फ्रेंड्स। मैं भी आपको बताना चाहूंगा, ये टकीला सोडा है ही इस तरह से कि जो आप एक बार टेस्ट करोगे ना, मैंने तो टेस्ट कर लिया है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ, ये भैया ने इस तरह से बताया, तो आप भी आप एक बार सानी का सोडा पॉइंट पे आइए, अलग अलग बेहतरीन प्रकार के बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, टेस्ट कीजिए तभी आपको पता चल पाएगा। ये टकीला सोडा है, उसके अलावा भी ये बोल रहे आइसक्रीम इस सोडा, अभी आइसक्रीम खा सकते हैं, सोडा पी सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम इस सोडा किस तरह से, वो भी मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ, आप फिर बताना क्या है क्या नहीं। अच्छा अमोल भैया, आप ये बता रहे हैं आइसक्रीम विद सोडा, तो इसमें क्या करने का, पहले आइसक्रीम खाने का फिर सोडा पीने का, ऐसे है वैसे नहीं है, दोनों मिक्स है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, आइसक्रीम मिक्स है क्या, कोई सबसे कस्टमर अभी टेस्ट किया तो सोचा अपने आइसक्रीम में थोड़ा सा इस तरह से कुछ आइसक्रीम खाओ फिर सोडा पियो। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन आइसक्रीम में सोडा, यानी उनका बोलना है कि कॉम्बिनेशन कुछ उन्होंने इस तरह से बनाया जिसमें आइसक्रीम में सोडा है, तो ये उन्होंने बनाए, जानते देखते समझते क्या है वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, तो टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। ये अमोल भैया जो बोल रहे हैं कि मेरे पास इस तरह से बेहतरीन लाजवाब फ्लेवर अवेलेबल है, लाजवाब टेस्ट अवेलेबल है, कुछ नया अवेलेबल है, तो टेस्ट के बाद ही सही महीने में बहुत पता चलता है। तो ये उनका रेडी है आइसक्रीम भी थोड़ा, देख रहे हैं जान रहे हैं कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है। तो सोडा इन्होंने रेडी किया है, ठीक है, तो क्या है और किस तरह से वो जानते देखते बाद में बताते। आइए ना मैडम, जरा ये टेस्ट कीजिए फिर मुझे बताइए, अमोल भैया तो बता रहे हैं आइसक्रीम इस सोडा बहुत बेहतरीन आता है, आप टेस्ट कीजिए उसके बाद बताइए क्या है कैसा है। ये दोनों तरह से फ्रेंड्स
आपको यदि पीना है तो उसके अंदर स्ट्रॉ दी जाती है और उसके साथ एक चम्मच दी है जिसके वजह से आपको आइसक्रीम का भी लुक ले सकते हो। जिसको आइसक्रीम खानी है वो आइसक्रीम खा सकता है, जिसको सोडा टेस्ट करना है वो सोडा टेस्ट करना, और जो दोनों के लिए बहुत कॉम्बिनेशन है या फिर जो दोनों टेस्ट करना चाहते हैं वो एट अ टाइम दोनों टेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ अमेजिंग अमेजिंग आइडिया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब आई नो दिस शॉप फ्रॉम वेरी ओल्ड डेज, सो ऐसा कॉम्बिनेशन दैट्स अमेजिंग। वाओ, आपने पहले टेस्ट नहीं किया ऐसा कॉम्बिनेशन? नेवर नेवर, मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया। मैंने काफी लोगों को कुछ चीजें कंबाइन करते हुए देखा है बट वो कभी वर्कआउट होती नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। और मैं तो ये पूरा फिनिश करके ही जाने वाली हूँ एंड आई गेस मैं पूरे टाउन को ये रेकमेंड करूंगी दैट दे ट्राई वंस एटलीस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से मैडम ने बताया आइसक्रीम की सोडा का टेस्ट मैंने तो कर लिया है, मैडम ने भी जिस तरह से बताया, आपको भी एक बार यहाँ पे आओगे तभी पता चलेगा कि क्या है ये पूरा कॉम्बिनेशन। तो आप एक बार शानिका सोडा पॉइंट पे आइए, इनके पास ये तो ये कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत प्रकार के टेस्ट अवेलेबल है जैसा उनका कहना है। तो आप एक बार आइए, देखिए, जानिए, फिर आपको पता चल पाएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।